जिसका डर था आखिर वही हो गया। ऑक्शन से पहले रिंकू सिंह ने कर दिया अचानक बड़ा ऐलान, इन दो कारणों के चलते छोड़ देंगे केकेआर। रिंकू सिंह के इस फैसले से सदमे में पड़े किंग खान। मेगा ऑक्शन से पहले बाकी के इन सात टीमों में छाई खुशी की लहर। रिंकू सिंह को करोड़ों फूकने को तैयार बैठी है ये सातों टीमें। बन जाएगा आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी। अब 55 लाख नहीं, इस ऑक्शन से रातों रात करोड़ों का मालिक बन जाएगा रिंकू सिंह। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी, किस तरीके से दोस्तों आखिरकार रिंकू सिंह ने केकेआर को छोड़ने का फैसला कर ही लिया है, और कैसे यहां पर दोस्तों दो बड़े कारण निकल कर आ रहे हैं उनको छोड़ने के, और कौन कौन सी टीमें उनके पीछे जाएगी, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं दोस्तों रिंकू सिंह के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले ही एक खिलाड़ी के ऊपर सबकी निगाहें टिकी थी, और वो खिलाड़ी थे रिंकू सिंह, क्योंकि उन्होंने टीम इंडिया के लिए खेलते हुए लगातार काफी ज्यादा अच्छे स्कोर्स किए थे, और डाउन द ऑर्डर आकर यानी नीचे बल्लेबाजी करते हुए काफी अच्छी मैचेस भी फिनिशिंग भी की थी। लेकिन दोस्तों जब आईपीएल 2024 आया तो गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद रिंकू सिंह को उतने मौके मिले नहीं जितने शायद वो डिजर्व करते थे। ऐसे में दोस्तों रिंकू सिंह को जब मौके नहीं मिले तो लगातार इस बात पर सवाल उठने लगे थे कि इतना अच्छा फॉर्म में खिलाड़ी चल रहा था तो आप उसे मौके क्यों नहीं दे रहे हैं। और इसी वजह से दोस्तों अब दो कारणों की वजह से रिंकू सिंह यहां पर केकेआर छोड़ने को तैयार हैं। केकेआर की टीम की सबसे पहला बड़ा कारण है दोस्तों कि रिंकू सिंह को मौके ही नहीं मिल पा रहे हैं। अब मौके नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी टैलेंटेड खिलाड़ी का टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, और पहला तो कारण यह हो जाता है। लेकिन दूसरा कारण है दोस्तों उनको कम पैसे मिलना। अगर आप दोस्तों रिंकू सिंह को देखोगे तो आईपीएल 2024 में भी उनका रेट प्राइस 55 लाख पर सेट था, यानी कि केकेआर की टीम उनको 55 लाख ही दे रही थी, जो कि दोस्तों कहीं से भी फेयर प्राइस नहीं है। अब रिंकू सिंह के लिए फेयर प्राइस इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो ऑक्शन में चले जाएं तो इजिली 8 से 10 करोड़ में बिक सकते हैं। पर दोस्तों ऑक्शन में जाने के लिए यहां पर दोस्तों उनको पहले केकेआर की टीम छोड़नी पड़ेगी। तो इन दो कारणों से वो केकेआर की टीम छोड़ने को तैयार बैठे हैं। लेकिन जैसे ही वो केकेआर की टीम को छोड़ रहे हैं उनके पीछे 7-8 टीमें बिल्कुल भागने को तैयार है। अब उनमें दोस्तों रिंकू सिंह से कल पूछा गया कि अगर आप केकेआर छोड़ोगे तो आप किस टीम में जाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने सबसे पहला जो नाम लिया वो है दोस्तों आरसीबी, यानी कि दोस्तों उन्होंने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का नाम लिया। बेंगलुरु को उन्होंने बोला कि मैं उस टीम में जाना चाहूंगा और मेरी वही पसंदीदा टीम है। अब रिंकू सिंह ने यह तो क्लियर कर दिया है कि बेंगलुरु की टीम उनकी पसंदीदा टीम है, लेकिन उसके अलावा भी दोस्तों जब रिंकू सिंह ऑक्शन में जाएंगे, जिसका जाना लगभग कंफर्म हो चुका है, तो यहाँ पर दोस्तों रिंकू सिंह के लिए यहाँ पर और भी 7 टीमें तैयार बैठी है। कई टीमों के कैप्टन चाहिए, कई टीमों को अच्छे फिनिशर चाहिए, और यहाँ पर दोस्तों इन टीमों में केकेआर की टीम हो गई, राजस्थान की टीम हो गई, उसके अलावा दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स हो गई, और फिर दोस्तों गुजरात टाइटंस, तो वहीं आरसीबी खुद यहां पर दोस्तों इंतजार कर रही है किसी एक अच्छे खिलाड़ी की। उसके अलावा दोस्तों यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी नजर आ रही है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देखोगे तो और भी कई टीमें हैं यहां पर जो उनके पीछे जाने को तैयार हैं। पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार रिंकू सिंह किस टीम में जाएंगे। वैसे आपका इस पर क्या राय है, किस टीम में रिंकू सिंह को जाना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय नीचे जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।